कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे थे। इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में सेकंड पार्ट है उपसेशन क्या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें क्या है कि वर्लर सिद्धांत के अनुसार उपसेशन क्या 6 के लेयरों की आकृति अष्टपलकीय होती है, न कि षटकोणीय या प्रिज्म, क्योंकि संयुक्त में sp3d2 या d2sp3 संकरण होता है। sp3d2 में बाह्य डी कक्षक यूज होता है, d2sp3 में आंतरिक डी कक्षक यूज होता है। तो इन संकरण के अंदर क्या होता है कि इस संकरण में अष्टफलकीय आकृति में 6 कक्षों का निर्माण होता है। उपसहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों में दोनों प्रकार की त्रिविमीय समावेता पाई जाती है। इन दोनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जैसे फर्स्ट है ज्यामितीय समावेता या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, दोनों प्रकार की पाई जाती है इसमें। तो फर्स्ट वाली है ज्यामितीय समावेता। अष्टफलकीय संकुलों में कई प्रकार की संरचनाएं ज्यामितीय समावेता को जन्म देती हैं, जिनमें से प्रमुख का विवरण इस प्रकार है। जैसे MA4X2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कि 4 एक प्रकार के मेटल से जुड़े हुए लिगेंड है और 2 एक प्रकार के लिगेंड से। इस प्रकार 6 लिगेंड जो मेटल से जुड़े हुए, इसमें 4 एक प्रकार के, 2 एक प्रकार, 2 प्रकार के लिगेंड हो इस टाइप में MA4X2, तो उसमें इस प्रकार होगा। इस प्रकार के संकुलों में 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसमें 4 एक प्रकृति के हैं, 2 भिन्न प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लिया टेट्राएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट थर्ड धनायन, इन दो प्रकार की ज्यामितीय समावेश में पाया जाता है। इसमें जब दोनों समान समूह निकटवर्ती एडजस्टेबल होते हैं स्थिति में होते हैं तो ये शीश समायोज्य होंगे, शीश मानी पास पास में या एक ही तरफ होंगे, जबकि समान समूह के विपरीत स्थिति में होने पर, ट्रांसपोजिशन पर होने पर, ये ट्रांस समायोज्य कहलाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इसमें जो एग्जाम्पल डायग्राम 17 है उसमें एग्जाम्पल है टेट्राएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन की ज्यामिति का। तो फर्स्ट है वो 1-2 समायोजी है और दूसरा है 1-6 समायोजी है, यानी जो क्लोरीन की पोजीशन 1-2 पोजीशन पे है फर्स्ट वाले में तो ये सीस है, दूसरे में 1-6 या ट्रांस पोजीशन में है तो ये ट्रांस है। इस प्रकार के ये एग्जाम्पल है। फिर इसमें दूसरी प्रकार का MA3X3 प्रकार के संकुल भी हो सकते हैं। इस प्रकार से 3 एक दंतुक लिगेंड एक प्रकार के होते हैं, वह 3 एक दंतुक लिगेंड दूसरे प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया इसमें सीस 1-2-3 समावयवी और ट्रांस 1-2-6 समावयवी। तो वही पोजीशन होगी कि जब क्लोरीन सीस पोजीशन में तो ये सीस हो जाएगा, समक्ष हो जाएंगे, और ट्रांस पोजीशन में विपक्ष हो जाएगा। ट्राईएमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। इसके अणु में यदि तीनों समूह विपरीत स्थिति में है तो यौगिक सीस समावयवी कहलाएगा, और यदि तीनों समान समूह में से दो निकटवर्ती हों लेकिन एक समूह विपरीत स्थिति में हो तो ये यौगिक ट्रांस कहलाएगा। इस प्रकार फिर है तीसरे प्रकार का MAA/2X2 प्रकार का संकुल। इसमें AA एक द्विदंतुक लिगेंड का प्रकार है जबकि X एक दंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के संकुल यौगिकों में ज्यामिति समावयता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है ड्राइक्लोरोबिस या एथेन 1-2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड धनायन। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर सीस पोजीशन जब बन रही है तो क्लोरीन दोनों पास पास में है और ट्रांस पोजीशन में क्लोरीन इसमें कुछ डायरेक्शन में है। तो दो इसके अंदर जो हैं वो एथिलीन डाइएमीन जो है वो द्विदंतुक लिगेंड्स है और क्लोरीन एक दंतुक लिगेंड्स है। तो ये पोजीशन इसकी सीस और ट्रांस होती है। अब इस संकुलों में ध्यान देने वाली बात यह कि संकुल संरचना प्रदर्शित करते समय एथिलीन डाइएमीन्स के सूत्र को EN भी लिख सकते हैं के रूप में लिखा जा सकता है। अणुसूत्र लिखते समय इसका संक्षिप्त एब्रिवेंट रूप में EN भी लिख देते हैं। डाइक्लोरो डाई ऑक्सेलेटो क्रोमेट थर्ड संकुल आयन भी इसी प्रकार के दो समावयवी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा है जो ये है ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने याद की। थैंक यू।